अब देखो। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग इस चैप्टर में रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोपोर्शन भी कर चुके हैं, इंडिसेस कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिदम, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा, लॉगरिदम जो है वो बेसिकली इंडिसेस का ही जो है, मतलब इंडिसेस का जो ड्रॉबैक है उसके लिए ही लॉगरिदम लाया गया, ठीक है। मतलब इंडिसेस का ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि देखो, अगर हमें, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर हमें इस तरीके का कुछ पावर फाइंड आउट करना हो, इंडिसेस क्या था, हम लोग पावर जो है पावर में ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जो मल्टीप्लिकेशन था उसे पावर में ट्रांसफर कर रहे थे, फिर उसका आंसर निकाल रहे थे, तो उसके लिए हमारा इंडिसेस यूजफुल था। लेकिन लॉगरिदम क्या है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं चैप्टर लॉगरिदम, ठीक है, इसे शॉर्ट में लॉग बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जैसे वो मान लो है 2^5 9 7 6 3 0 4 ऐसा कुछ है, तो ये तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर भी इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसा है कि मान लो 2^-3 7 6 9 ऐसा है, तो भी अगर हम लोग 1/2 कर भी लेते हैं तो भी कैलकुलेटर हमें इसका आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। ओरली तो हम लोग क्या करें, कैलकुलेटर ही हमें इसका आंसर नहीं दे पाएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मैम तो इसका आंसर भी कैलकुलेटर हमें देने में फेलियर है। तो इसके लिए ये जो ड्रॉबैक हो जा रहा है, ये सब क्या है, ये इंडिसेस फॉर्मेट है, लेकिन यही ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, लॉगरिदम, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये देखो, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि जो इंडिसेस फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम लोग किसी अलग तरीके से लिखे तो वो लॉगरिदम होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग लॉगरिदम फॉर्म में जाएंगे, कैसे होगा, जैसे देखो, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2^5 = 32। कल से हम लोग बहुत बार कर रहे थे ना, 2^5, 2^5 आ रहा था हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में, 2^5 = 32 होता है। अब इसको अगर, ये तो कैलकुलेटर हमें लिखने में केपेबल है, कैलकुलेटर इसका कैलकुलेशन दे देगा, इस तरीके की चीजों का कैलकुलेशन नहीं देगा, लेकिन हम लोग हर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब लॉग में ट्रांसफर करने का मतलब है उसे कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 की जगह 2^5 लिख रहे हैं, सिमिलर तरीके से यहाँ पर ये 2^5 को हम लोग लॉग में रिप्रेजेंट करके लिखेंगे, ठीक है, तो वो देखने में कैसा होगा, तो उसका अपना एक तरीका है, तो उसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है लॉग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेस, और यहाँ पर हो जाएगा पावर का आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉगरिदम फॉर्म। इसी फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखते हैं 2^5 = 32 को, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये देखो, ये हो गया लॉग, लॉग ऑफ ऐसे बोला जाता है, लॉग ऑफ, ये देखो, ये बेस है, ये 2 क्या है, 2 होता है बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 क्या है, 5 हो गया पावर या इंडेक्स बोल सकते हो, और 32 हम लोग का क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है, 32 हम लोग का वैल्यू हो गया। गुड मॉर्निंग सुनिए, गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर लॉग, ये जो बेस है ये कहाँ जाएगा, यहाँ लॉग का बेस यहाँ लिखा जाता है, मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा 2, ठीक है, ये रूल्स है, हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग को बचपन में सिखाया जाता है ऐसे करके ही ए लिखो, तो वही लिखते हो ना, तो वैसे ही लॉग का केस भी है कि लॉग का अपना एक प्रेजेंट करने का तरीका है, उसी को फॉलो करके हमें करना पड़ेगा। तो लॉग बेस यहाँ पर जाएगा, किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस यहाँ लिखा जाएगा, वैल्यू यहाँ होगा, वैल्यू यानी ये 32, ठीक है, और पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, पावर जो है वो 5 आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करना चाहिए log 32 to the base, इसको कैसे रीड करते हैं, देखो, log 32 to the base 2 = 5, log 32 to the base 2 = 5, मतलब
एक्चुअली एक लॉक टेबल होता है, ठीक है, एक लॉक टेबल होता है जहां पर लॉक का हर एक डेटा है, उस टेबल को हमें मैच करके रीड करना पड़ता है, जो कि तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक बार दिखाएंगे कि कैसा लॉक टेबल होता है। जैसे मान लो बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेस तो अलग अलग हो सकता है क्योंकि सिर्फ 2 to the power 5 के लिए तो लॉक नहीं बनाएगा, काफी कुछ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो वो लॉक में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये 5 कैसे आ रहा है वो फाइंड आउट करना होता है। तो हम एक बार तुम लोगों को दिखाते हैं, देखो लॉग टेबल देखने में कैसे होता है। यहाँ पर लॉग टेबल, ये देखो लॉग टेबल जो है वो कुछ ऐसे देखने में होता है, ये देखो, ये जूम तो नहीं हो रहा है, एक सेकंड देखते हैं, नहीं जूम तो नहीं हो रहा, रुको दूसरे कहीं जगह से दिखाते हैं लॉग टेबल। हाँ ये देखो, ये शायद जूम, ये फिर से वहीं पर आ गए, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से चेक करना पड़ता है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, इस तरीके से चेक करना पड़ता है, बट यहाँ पर हम दिखाई नहीं पा रहे तुम लोग, ये देखो यहाँ पर ना लॉग टेबल में ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, फिर इधर जो है मीन डिफरेंसेस, मतलब ये टेबल जरूरी नहीं है, मतलब हम बता रहे हैं तुम लोगों को, देखो कि लॉग हमें कैसे हेल्प कर सकता है, हर एक डिजिट के लिए टेबल बना हुआ है, ठीक है, हर एक डिजिट के लिए टेबल बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से दिखाते, ये देखो 0, 1, 2, जैसे हम एक तुम लोग को वैल्यू बताते हैं कि लॉग 1 चाहे बेस कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है, log 1 चाहे बेस कुछ भी हो उसका आंसर 0 होता है। तो यहां पर देखो कैसे करके हम लोग इसे देख सकते हैं, देखो दिखाते हैं, ये देखो यहां पर, ये देखो log, ये देखो मैंने अभी क्या बोला कि log का वैल्यू अगर 1 होता है, बेस कुछ भी हो, एनी बेस, ठीक है, वो होता है 0। तो ये लॉग टेबल में कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉग 1 ले लो, ठीक है, लॉग 1 और बेस कुछ भी हो उसका आंसर हमारा 0 होना चाहिए। तो ये पूरा टेबल तो यहाँ है नहीं, ठीक है, पूरा टेबल मतलब नीचे आधा है, ठीक है, पूरा टेबल होने से हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ होना चाहिए 10, 11, 12 इस तरीके से, मतलब बेस के लिए दिया हुआ है, इसे ना मैच कर करके फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, मैच करके फाइंड आउट किया जाता है। तो जस्ट हम एक बार तुम लोग को दिखाना चाहते थे कि लॉग टेबल कैसा होता है। यहाँ पर देखो हर एक डेटा यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए दिया है, जैसे देखो लॉग 22.35 इतना आएगा, ये मैच करके देखा जाता है, इसका एक प्रोसेस होता है चेक करने का, ठीक है, उस प्रोसेस में हमें चेक करना पड़ता है। तो तुम लोग को ये चेक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जस्ट हम बता रहे हैं कि टेबल रहता है उसमें हमें सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, तो यहाँ हमें वैल्यू का जरूरत नहीं, जस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो ये इसीलिए बताया मैंने कि ये जो 5 है ये तो हमें पता चला तुम लोगों ने कर लिया, अगर हमारे पास सिर्फ ये होता तो 5 हमें कहां से पता चलता, अगर सिर्फ ये दिया हुआ है तो हम लोग 5 कहां से पता करेंगे, 5 जो है वो लॉग टेबल बता सकता है, बाकी यहां फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम लोग चैप्टर को कर पाएंगे। अच्छा अब देखो यहां पर इसे रीड कैसे करना है, लॉग 32 to the base 2, लॉग 32 to the base 2, और लिखने का पैटर्न क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बेस यहां आ जाएगा, ये देखो मैंने लिख दिया, वैल्यू यहां आ जाएगा, पावर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब है ये जो लॉग है ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई टू गेट 32। एक्चुअली ये हमें क्या बोल रहा है कि कितने बार हमें 2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 32 मिले, तो आंसर हो गया 5। तो लॉग हमें ये बताता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें क्या बताता है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है, और लॉग का मतलब ये वाला पोर्शन अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 32, बिकॉज 32 वैल्यू है और ये बेस है, बेस का ही पावर होता है, तो लॉग हमें ये आंसर देता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 32, ठीक है। अब ये कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये भी ना हमारा इंडिसेस के तरह ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमें मिल गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदम फॉर्म में कैसे जाया जाता है, तो पहला फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं,
फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग का ये वाला हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाला कि लॉग अगर ए टू दी पावर बी इक्वल टू एम है, हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं तो उसमें लॉग को कैसे लिखेंगे, अभी मैंने सिखाया, यहाँ बेस लिखो ठीक है, नीचे बेस आएगा यानी ए, यहाँ वैल्यू आएगा यानी एम, और ये हो जाएगा बी ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हम लोग को यूज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से या फिर इंडिसेस फॉर्म से, लॉगरिदम फॉर्म, लॉगरिदम फॉर्म से इंडिसेस फॉर्म में हमें ट्रांसफर करने का जरूरत हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग कुछ जो है डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें तुम लोग बताओ कि आंसर क्या होगा, यहीं पर करके दिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वन, सपोज दिया हुआ है 2 to the power 4 इक्वल टू 16, इसे अगर लॉगरिदम फॉर्म में लिखना है तो बोलो कैसे लिखोगे, यहां से देख के ही बताओ क्या लिखोगे, बोलो इसे अगर लॉगरिदम फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां से देख के बताओ। हाँ बोलो, यही लिखना पड़ेगा ठीक है, और कुछ नहीं, ये जस्ट प्रैक्टिस करवा रहे ताकि तुम लोग को जो मतलब एक डाउट रहेगा ना स्टार्टिंग में कि क्या लिखे क्या करें, वो एक प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा अब इसको रीड कैसे करोगे, चाहो तो वो भी साथ साथ लिखो, ऐसे लिखना है log 16 टू द बेस, ऐसे रीड करना है टू द बेस 2 ठीक है, ऐसे रीड करना है log 16 टू द बेस 2। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 5 to the power -3 इक्वल टू 1/125, बोलो इसको कैसे लिखोगे, सेम तरीके से ही होगा, चाहे माइनस रहे प्लस रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो क्या लिखना पड़ेगा, सोच लो सोच के बताओ। सही तो बात, यही तो करना है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, लॉग 1/125 टू द बेस 5 ठीक है, ये रीड करने का तरीका है। देखो बाकी तुम लोग अगर थोड़ा कम बेसी रीड कर भी लेते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पूछा थोड़ी ना जाएगा, कोई ओरल एग्जाम तो होने वाला है नहीं, लेकिन जैसे रीड करोगे वैसे ही ना लिख पाओगे, रीड करना इसीलिए जरूरी हो जाएगा। अच्छा फिर देखो 10 to the power 3 इक्वल टू 1000, इसको कैसे लिखेंगे, बोलो इसको कैसे लिखें, पहले लिख लो कॉपी में फिर मुझे बता दो। बोलो कितना लिखें, फिर टू द बेस 10 इज इक्वल 3। तो इसे रीड कैसे करना है, इसे रीड करना चाहिए ऐसे, log 1000 टू द बेस 10 हो गया। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 to the power 3 इक्वल टू 8, तो बोलो इसे कैसे लिखोगे log में, बोलो कैसे लिखोगे, log 8 power 2 is equal 3 to the base 2 is equal to 3 ठीक है, log 8 to the base 2
log 8 to the base 2, ठीक है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस और कुछ नहीं कि कैसे एक्सपोनेंशियल से हम लोग लॉग में जा सकते हैं. तो देखो एक तरीके से याद रख सकते हो लॉग, देखो बेस यानी कि नॉर्मली जब भी हम लोग कुछ डेटा को एक्स वाई वाई फॉर्म में लिखते हैं तो वाई बेस हो गया ना, तो नीचे की तरफ आएगा, तो याद रखो कि बेस यहाँ पर आएगा, ठीक है. पावर हमारा आंसर होता है लॉग में, इसीलिए मैंने लिखवा दिया हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई टू गेट 32. पावर आंसर होता है तो पावर इधर आ जाएगा, बाकी बचा वैल्यू यहाँ पर आएगा और लिखते लिखते प्रैक्टिस हो भी जाएगा. अच्छा, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया. अब देखो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि लॉग रूट टू टू द बेस ए इक्वल टू वन बाई सिक्स. फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए कितना होगा. तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफर करो. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफर करेंगे. बोलो इससे अगर हम लोग इंडिसेस फॉर्म में जाते हैं तो कैसे होगा. इंडिसेस फॉर्म हमें क्या बोलता है कि बेस टू द पावर पावर इक्वल टू वैल्यू, ठीक है. अब यहाँ पर बेस होता है, यहाँ वैल्यू होता है, यहाँ पावर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैच करके बोलो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर. अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मतलब कैसे ट्रांसफर करें, क्या क्या डेटा फिलअप करें, बोलो. बोलो मैंने तो बता दिया, फॉर्मूला तो लिख दिया है, तुम लोग बताओ तो सही. ऐसे चुप रहने से क्या हो, क्योंकि बेस ये पावर है इक्वल टू रूट टू, हो गया. अच्छा अब इंडिसेस काम आएगा, इंडिसेस जो सीखा था हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग को बोला है ए का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, रूट टू होल टू द पावर सिक्स. कल ही तो सीखा था कि अगर इधर वन बाई सिक्स है, अगर हम लोग पावर को इक्वल के इधर उधर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वन बाई सिक्स हम लोग का सिक्स हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से देयर फोर ए इक्वल टू कितना होगा, अब रूट टू सिक्स टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा बता सकते हो, रूट टू को अगर हम लोग सिक्स टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा. दो रूट टू में क्या होता है, एक टू होता है ना, क्यों, उसका रीजन क्या है, इंडिसेस अभी अभी सीख के आ रहे हो, ये हो गया. इम्प्लाइड है ना कि अगर nth रूट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रूट जो है सेकेंड रूट है. वैसे तुम लोग को पता है दो रूट टू से एक टू होता है, दो रूट टू से एक टू होता है, मल्टीप्लाई करने से एट हो जाएगा, लेकिन उसका लॉजिक तो इंडिसेस से ही आया हुआ है. तो यहाँ पर टू बाई टू वन, तभी तो यहाँ पर वन हो रहा है, टू टू दी पावर वन यानी टू, दो रूट टू मल्टीप्लाई करने से एक टू आएगा. तो ऐसे करके सिक्स रूट टू मल्टीप्लाई करने से हम लोग का एट आ जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर हम लोग का कितना हो गया, एट. यही पूछा था बस, और तो कुछ पूछा ही नहीं था. तो जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर कर लिए हम लोग, उसके बाद इंडिसेस का जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था उसका यूज करके फाइंड आउट कर लिए कि कितना आ रहा है. एक ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी किया जा सकता है कि रूट टू के जगह लिखो टू टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर सिक्स, तो भी तुम लोग का आंसर आएगा. टू टू दी पावर थ्री हो जाएगा यानी कि एट. या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसा ठीक लगे, ठीक है, जैसा याद आ जाए वैसे ही कर लो एग्जाम में. फिर बोला है यहाँ पर फाइंड द लॉगरिदम ऑफ 5832 टू द बेस 3 रूट 2, ठीक है. तो बोल रहे हैं कि लॉगरिदम ऑफ 5832 टू द बेस 3 रूट 2, तो ऐसे लिखना पड़ेगा. जब हमें लैंग्वेज में बता दिया कि लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3 रूट 2 ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ के समझना पड़ेगा. फाइंड द लॉगरिदम ऑफ, तो लॉगरिदम ऑफ 5832 टू द बेस 3 रूट 2 कितना होगा ये पूछ रहा है, मतलब पावर क्या है वो पूछ रहा है. तो हम लोग मान सकते कि ये x है, अगर हम लोग इसको x मान लेंगे फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करके आंसर निकाल सकते हैं. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेट लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3 रूट 2 इक्वल टू
एक्स, ठीक है। अब इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बोलो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। ये बेस है, ये वैल्यू है, ये पावर है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, बेस टू दी पावर, पावर इक्वल टू वैल्यू। तो बोलो इसको कैसे लिखें, इसी के तरह बोलना है, बोलो कैसे लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हाँ बोलो, इक्वल टू 583, सही बात। जैसा ये वाला है सेम वैसा ही है, वैल्यू अलग है और तो कुछ नहीं, प्रोसेस एक ही जैसा चल रहा है। तो 3√2 ये बेस है, बेस टू दी पावर, पावर ये पावर होता है और 5832। अब हमें दोनों साइड जो है यहाँ पर 5832 को किसी समथिंग पावर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखो जब इधर ऐसा डेटा है ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि 3√2 का कुछ एक पावर में ये आंसर आ सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो वैसे तो देखो तुम लोग को 5832 का करना चाहिए एलसीएम, एलसीएम करने से तुम लोग को पता चल जाएगा कितना होगा। हम एलसीएम करके दिखा देते, ये देखो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5832 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2916, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1458, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 729, फिर 3 से देखते, 3 से क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, 9 था, 3 से हो गया 243, फिर ये 3 से हो जाएगा, फिर ये 3 से 27 आएगा और उसके बाद 933, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 5832 इक्वल टू 123 टू टू दी पावर 3 इनटू 123456 3 टू दी पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि पॉसिबिलिटीज होता है कि दोनों साइड एक ही तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम लोग का क्या प्रेजेंटेशन आ रहा है, 3√2, ठीक है। तो 3 को 3 रखते हैं, हम प्रेजेंटेशन बता रहे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि इधर ऐसा क्या लिखे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो देखो जब मेरा 3√2 है तो मुझे 3 को 3 ही रखना चाहिए, ठीक है, तो हम क्यों ना इसको ऐसे रख देते हैं। और 2 टू दी पावर क्यूब को हम रूट 2 में ट्रांसफर अगर करते हैं तो रूट 2 टू दी पावर 6 यानी 2 टू दी पावर 3, बात समझो, अगर हम रूट 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रूट 2 को अगर हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाता है 2 टू दी पावर 3। तो मैंने 2 टू दी पावर 3 को रूट 2 टू दी पावर 6 लिख दिया। अब इससे हम क्या जिस्ट निकाल सकते हैं कि 3 इंटू रूट 2 होल टू दी पावर 6 है, यानी 3√2 होल टू दी पावर 6 करने से ही इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे किया मैंने, यहाँ देखा कि मुझे इसके साथ सिमिलरिटीज करना है, अगर नहीं होता है सिमिलरिटीज करने के बाद भी तो कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, बाकी हो जाता है नॉर्मली। तो 3√2 है यानी 3 को 3 रखना है और 2 को रूट 2 में प्रेजेंट करना है, तो हम लोग का 2 टू दी पावर क्यूब आया था, सेम डेटा को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 टू दी पावर 6, ठीक है, और 3 टू दी पावर 6 जैसा था वैसा ही हो गया। तो 3 इंटू रूट 2 होल टू दी पावर 6 यानी 3√2 टू दी पावर 6, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन ना हम लोग को इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा तो देखो यहाँ पर ये वाला लिख लेते हैं 3√2 होल टू दी पावर 6। अब क्या ऐसे करके करना जरूरी है, नहीं, तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, पहले कितने बार में कितना वैल्यू आ रहा है, 3√2 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ऐसे करके 3√2 इंटू 3√2 इंटू 3√2 इंटू 3√2 एक बार चेक किए कितना हुआ, नहीं होता है और मल्टीप्लाई करो, तो ये करने का जरूरत नहीं, इधर जो डेटा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग मल्टीप्लाई करो, 6 बार 7 बार 8 बार किसी ना किसी टाइम्स में तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, देखो दोनों साइड इंडिसेस वाला केस, यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, ए टू दी पावर m, a टू दी पावर n, तो m इक्वल टू n हो गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोगों ने x माना हुआ था, ठीक है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, मतलब इस log का आंसर है 6, ठीक है, log का आंसर हो जाएगा 6, ये देखो यहाँ पर सेम किया हुआ है, 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक तो फॉर्मूला मैंने सिखाया कि एक्सपोनेंशियल, ये एक्चुअली जो है लॉग का बेस ही है कि हाँ कैसे लॉग बना हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है
लॉग का जो फॉर्मूला लाइक इंडिसेस की तरह होता है वही वाला करेंगे. जैसे कि देखो लॉग एम एन पी टू द बेस ए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे वहां पर इंडिसेस में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लीकेशन होने पे एडिशन होता है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा. लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए प्लस लॉग p to the base a. ठीक है, देखो वहां पर कैसे था, a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n. हाँ बिल्कुल, तो सेम कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन रहा तो एडिशन होगा, वो कंसेप्ट है. जैसे कि m n मैंने p भी लिख दिया, क्यों हुआ, दो हुआ या तीन हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तीन डेटा रहेगा तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ऐसा बात नहीं है. अगर एम एन हुआ तो ये वाला नहीं होगा, एम एन तक होगा. ठीक है, इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है. तो लॉग एम टू द बेस ए, लॉग एन टू द बेस ए, लॉग पी टू द बेस ए, इस तरीके से होगा. नेक्स्ट फॉर्मूला डिवाइड वाला लिखेंगे, लॉग एम बाई एन टू द बेस ए, इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए. ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, माइनस, माइनस वाला फॉर्मूला, क्योंकि डिवाइड है. तो देखो फिर से वही इंडिसेस का कंसेप्ट आ जा रहा है. इंडिसेस में क्या था, इंडिसेस में ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन का था, ए टू द पावर एम माइनस एन. सिमिलर तरीके से एम माइनस एन हुआ, अब यहाँ ए के जगह है लॉग, तो लॉग ए टू द बेस एम, सॉरी लॉग एम टू द बेस ए, लॉग एन टू द बेस ए, इस तरीके से. ठीक है, तो ये लॉग में सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉग एम एन पी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन हो जाएगा, सभी में बेस ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सेम तरीके से यहाँ पर लॉग एम बाई एन है, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों का बेस जो है ए ए आ जाएगा. अच्छा, अब नेक्स्ट लिखते हैं, लॉग एम टू द बेस एन, लॉग एम टू द पावर एन टू द बेस ए. ठीक है, इसमें कैसे होगा, इसका रूल्स है कि ये n सामने आ जाएगा, n इंटू लॉग m बेस a हो जाएगा, लॉग m बेस a टू द बेस a जैसा है वैसा ही रहेगा. अगर m के पावर में कुछ है तो वो सिर्फ सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा. और देखो हम फॉर्मूला सारा ही लिखवा देंगे, लगभग 11 12 फॉर्मूला है, लेकिन सारे फॉर्मूला एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. अच्छा, अब देखो लॉग अगर a बेस b है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a डिवाइडेड बाय log b. जरूरत पड़ने पे हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, log a टू द बेस b अगर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log a बाय log b. ठीक है, log a बाय log b मतलब log of value डिवाइडेड बाय log of base. फिफ्थ नंबर में लिखेंगे log m बेस ए. ठीक है, लॉग एम बेस ए, इसको कैसे लिखा जा सकता है, बेस चेंज करने का अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एम बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए. ठीक है, इसे बोलते हैं बेस चेंज का फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला. अच्छा, ये देखो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ पर m और यहाँ पर a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ b लिखा, b के जगह तुम लोग x लिख लो, y लिख लो, एक ही बात है. हाँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे log का बेस चेंज हो जाए, जैसे देखो a था, यहाँ b आ गया, यहाँ a आए, तो अगर बेस चेंज करना चाहते, इसे बेस चेंज का फॉर्मूला बोला जाता है, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. यहाँ अगर बेस अलग लिखते हैं तो यहाँ सेम तरीके से log b बेस a लिखेंगे, तो हमारा जो है सेम चीज ही रहेगा. जैसे देखो हम दिखाते हैं, log m बेस b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log m by log b क्यों लिख सकते, अभी मैंने दिखाया ये इस मेथड से, और log b by a को log b by log a. ठीक है, तो ये क्या बच रहा है, log m divided by log a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m base a. ठीक है, log m base a, ये देखो सेम तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसके बदले ये लिखा जा सकता है. बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पर कौन सा एप्लीकेशन करना है. लॉग ए बेस ए ये वन हो जाएगा. ठीक है, क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूले के वजह से, देखो इसके वजह से, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा हो गया, लॉग ए बाई लॉग ए, तो लॉग ए बाई लॉग ए कैंसिल आउट होके वन हो गया. सिमिलर डेटा अगर डिवाइड फॉर्म में है तो वो तो वन होगा. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ नंबर, log a बेस m, इसको हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, वन बाई लॉग एम
बेस ए, ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं. ये भी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हम बताते हैं. देखो इसका मतलब हो गया लॉग एम बाई लॉग ए वन इन टू लॉग ए बाई लॉग एम. तो लॉग ए बाई लॉग एम इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस एम, ठीक है. तो अगर जरूरत पड़े हमें चेंज करने का तो इसकी जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस एम को वन बाई करेंगे तो बेस और ये जो वैल्यू है ये इंटरचेंज हो जाएगा, ए के जगह एम, एम के जगह ए आ गया, ठीक है, इस तरीके से होगा. फिर नेक्स्ट देखते हैं एट नंबर. एट नंबर में लॉग वन एनी बेस, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था लॉग वन एनी बेस ये जीरो होगा, ठीक है. अच्छा फिर नाइन्थ नंबर लॉग टेन हमेशा वन होता है. टेंथ नंबर लॉग ए बेस बी इंटू अगर लॉग बी बेस ए है तो ये वन हो जाएगा. क्यों? सेम यही वाले फॉर्मूले से देखो, ये वाला फॉर्मूला लॉग ए बाई लॉग बी. देखो लॉग ए बाई लॉग बी लॉग बी बाई लॉग ए क्यों वन हो रहा है, लॉग ए बाई लॉग बी हो जाएगा इससे, और इससे हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए. तो ये और ये कैंसिल आउट होके वन हो जाएगा, ठीक है. अच्छा अब नेक्स्ट इलेवेंथ नंबर देखते हैं. इलेवेंथ नंबर में कॉमन बेस अगर कभी हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि कॉमन बेस यूज करो, कॉमन बेस हमेशा 10 होता है, ठीक है, कॉमन बेस 10 होगा, ठीक है. अब ये सब एक साथ में जो है रटने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कर सकते हैं. देखो सबसे पहला क्वेश्चन एक सेकेंड, ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया रूट टू, हाँ ये वाला हम लोगों ने कर लिया, इसके पहले मेरा नहीं कुछ तो बचा नहीं था. हाँ ये वाला करते हैं लॉग हाफ. ये देखो लॉग हाफ को कैसे लिखा है, लॉग हाफ ये यहीं पर दिखा देते हैं. लॉग हाफ इक्वल टू कितना होगा पूछ रहा है कि लॉग हाफ इक्वल टू कितना होगा. अब लॉग हाफ बेस कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पर तो ठीक है, अगर बेस मिसिंग है तो कोई बात नहीं, बेस मिसिंग है तो बेस का यूज नहीं करेंगे. तो ये लॉग एम बाई एन हो गया, ये देखो यहाँ पर ये लॉग एम बाई एन हो गया, यहाँ करके ही दिखा देते थे. एग्जाम्पल वन लॉग हाफ कितना होगा ये हमें पूछा है. तो अगर डिवाइड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस करने पे लॉग वन माइनस लॉग टू, ठीक है. और अभी मैंने बोला लॉग वन कोई भी बेस हो या ना हो वो हमेशा जीरो होता है. तो जीरो माइनस लॉग टू यानी कि माइनस ऑफ लॉग, ठीक है. छोटा सा क्वेश्चन था, बोला कि लॉग हाफ का वैल्यू क्या होगा. तो लॉग हाफ मतलब ये आ जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद. देखो डिवाइड फॉर्म था, एक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होता है फॉर्मूला प्रैक्टिस होता है, ठीक है. तो फॉर्मूला याद हो जाता है अपने आप. लॉग एम बाई एन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो लॉग वन बाई टू लॉग वन माइनस लॉग टू, कोई बेस नहीं था तो नहीं लिखा, बेस होता तो लिख देते. लॉग वन चाहे बेस हो ना हो कोई भी बेस हो हमेशा जीरो होगा, जीरो माइनस लॉग टू तो माइनस लॉग टू आंसर हो गया, माइनस ऑफ लॉग टू. अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं. यहां पर बोला है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2 रूट 3, 1728 टू द बेस 2 रूट 3. अच्छा हाँ ये फाइंड आउट करते हैं. देखो एग्जांपल टू बोला है कि लॉग फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है लॉगरिथम ऑफ 1728, लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2 रूट 3, टू द बेस 2 रूट 3. तो सेम तरीके से इसको हम लोग x मानेंगे, ठीक है, सेम तरीके से इसको हम लोग x मान लेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है. इसके पहले सेम ऐसा एक क्वेश्चन किया था. अब अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, टू रूट थ्री होल टू दी पावर x, क्योंकि ये बेस है ये पावर है, इक्वल टू 1728, ठीक है. अब तुम लोग को हम ये बोल रहे हैं कि बताओ
कि 2√3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा, मतलब चेक करके देखो क्या ऐसा हो सकता है कि 2√3 को हम लोग कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करें और उसमें से 1728 आ जाए। तो तुम लोग कैलकुलेटर पे एक बार चेक करो, चेक करके मुझे बताओ। मतलब कैलकुलेटर पे तो नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली रूट थ्री लिखोगे तो फिर वो वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। तुम लोग अपने कॉपी में ऐसे लिख के देखो कि 2√3 को दो बार मल्टीप्लाई किए कितना आ रहा है, और दो बार मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, और मुझे बताओ 1728 को हम कितने के पावर में लिख सकते हैं। बोलो कितने के पावर में लिख सकते हैं, बोलो। हम तो बोल रहे हैं कैसे करके करना पड़ेगा, 2√3 से ट्राई करना। हाँ बोलो। हाँ सिक्स, ये देखो 2√3 को अगर हम लोग सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, दो बार 2√3 करने से हो गया 12, ठीक है, फिर से दो बार 2√3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, फिर 12, तो ये देखो 12 × 12 × 12 1728। मैंने बोला ना इसी के फॉर्म में आ जाना चाहिए, नॉर्मली क्वेश्चन हमें इसी तरीके से देगा। तो 2√3 whole to the power 6, यानी हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू 6, यानी इस log का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग वही वाले क्वेश्चन की तरह था, सिर्फ डिजिट्स अलग थे और कुछ नहीं। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला है, सॉल्व करने बोला है। हाफ ऑफ log 25 base 10 माइनस 2 log 3 base 10 प्लस log 18 base 10, ठीक है। चलो चेक करके देखते हैं कितना होगा। एग्जाम्पल 3, हाफ log 25 base 10 माइनस 2 log 3 base 10 प्लस log 18 base 10, ठीक है। अब देखो करने को तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ अप्रोच लेना चाहिए जिससे सबसे जल्दी हो सके, ठीक है। हमें ऐसा कुछ अप्रोच लेना चाहिए जिससे सबसे जल्दी हो सके। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये जो भी सामने डेटा है ना उसको पावर में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों, अभी देखो मैंने फॉर्मूला बोला, अगर पावर में कुछ होगा तो वो सामने आ जाएगा। तो हमें इस तरीके के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एन हमारा पावर में चला जाएगा। हम लोग ऑपोजिटली ये भी बोल सकते हैं कि एन हम लोग का पावर में चला जाएगा, इससे जल्दी होगा और कुछ नहीं। बाकी तुम लोग अगर चाहो तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, फिर 2 सामने यहाँ पर लेके आओगे, लेकिन वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो जब भी हमें ऐसे दे देना हाफ लॉग समथिंग, 2 log something या कुछ और, तो हमें वो सामने वाला डेटा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना चाहिए। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब 25 टू दी पावर हाफ और बाकी जैसा था वैसा ही रख दिया, और यहाँ पर भी log 3 टू दी पावर 2 बेस 10 और इसका तो कुछ था नहीं सामने, तो ये ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log, अब 25 टू दी पावर हाफ का मतलब रूट ओवर ऑफ 25, सोचो ना 25 टू दी पावर हाफ का मतलब क्या, रूट ओवर ऑफ 25, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, या फिर ऐसे करके कर लो माइनस log 3 टू दी पावर 2 इंटू 10 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 और 2 मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो बचेगा log 5 बेस 10 माइनस log 3 का स्क्वायर यानी log 9 बेस 10 और log 18 बेस 10। तो देखो ये कितना मतलब सिंपल फॉर्म में आ गया, यहाँ पर इतने सारे डेटा दिख रहे थे, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, log 5 बेस 10, log 9 बेस 10, log 18 बेस 10, ठीक है। अब अगर बेस इक्वल है और ये माइनस है, तो हम लोग इसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 5/9 base 10, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या यही दोनों कंबाइन करना जरूरी है, ये दोनों कर लेते इसको रख देते, हाँ वो भी चलेगा, लेकिन हम पहले वाले दो को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का log 18 बेस 10। अब अगर एडिशन है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये देखो 5/9 × 18, तो 5/9 × 18 कितना हो जाएगा 10, ये देखो 10 हो जाएगा log 10 base 10। अब log 10 base 10
क्या होगा, वन होगा। हम फिर से बताते हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया ए टू दी पावर एन, मान लो यहाँ पर है बी, ठीक है, तो ये एन सामने आ जाएगा, बाकी जैसा है वैसा रह जाएगा। तो हमें ये सामने एन वाला ही डेटा दे दिया था, तो मैंने इसे ट्रांसफर करके पावर में लिख लिया, बाकी देखो एज इट इज है, जो भी क्वेश्चन में था ये जो है मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ये जैसा था वैसा लिखा हुआ है। उसके बाद ये 25 को मैंने 5 का स्क्वेयर लिखा और 2 पावर हाफ जैसा था वैसा लिखा, बाकी यहाँ जैसा था डेटा वैसा ही रहा, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। फिर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बचा लॉग 5 base 10, log 9 base 10, ये मैंने 3 square को 9 लिख लिया, log 18 base 10, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला हमारा काम में आएगा, देखो सभी का बेस इक्वल है, सभी में बेस क्या है 10 है। अब देखो बेस इक्वल होने से क्या होगा, बेस अगर इक्वल है तो हम लोग उसे कंसाइज करके मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर प्लस है हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर माइनस है तो देखो बेस इक्वल है डिवाइड प्लस दोनों फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों को माइनस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, तो 5/9 ये जैसा था वैसा रह गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में है, ये देखो ये सेम बेस विद एडिशन फॉर्म में है, मतलब इस तरीके से है, लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी, इस तरीके से है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ए सी बेस बी, ठीक है। बेस अगर इक्वल है और प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जाएगा, तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हुआ, 5/9 × 18 करने से हो गया 2, 5 × 2 = 10। अब log 10 base 10 ये क्यों 1 होगा, ये देखो log 10 divided by log 10 ये 1 हो जाएगा, पहला कंडीशन ऐसे सोच सकते हो। दूसरा मैंने अभी थोड़े देर पहले ही बोला था कि log 10 कुछ भी बेस हो वो हम लोग का 1 होगा, उसके अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है। ये देखो log 10 हमेशा 1 होगा चाहे बेस कुछ भी हो, ये देखो log 10 हम लोग का 1 आ गया, तो ये आंसर हो गया एग्जाम्पल 3। अच्छा ये वाला, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर हमें बोला है चेंज द बेस ऑफ लॉग 31 base 5 इनटू कॉमन लॉगरिथम बेसिक, ठीक है बेस। तो हमें क्या करना है, लॉग 31 base 5 को जो है उसे कॉमन बेस में चेंज करना है, कॉमन बेस लॉग का 10 होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, मैंने तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है तो इसको 4 लिखेंगे, log 31 to the base 5, इसका बेस चेंज करना है, कॉमन बेस लाना है, कॉमन बेस मतलब 10 होता है, तो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ log 31 लिखेंगे, यहाँ पर log 5 बेस 5 जैसा वैसा लिखेंगे, ये देखो बेस चेंज का फॉर्मूला, ठीक है, एम और ए इधर चला गया और बेस देना है, तो बेस हमें यहाँ पर बोल दिया कॉमन बेस यूज करो, कॉमन बेस क्या होता है 10 होता है, कॉमन बेस हमेशा 10 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर भी लिख देंगे 10, तो बेस चेंज हो गया, ठीक है। 5 की जगह बेस हम लोग का कितना आ गया 10। अब ये देखो इसको हम लोग और भी चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा log, ये क्यों चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर तो सिर्फ 10 यहाँ बेस चेंज हुआ, यहाँ तो 5 ही रह गया ना, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, पूरा बेस चेंज करना है हम लोग को, ये चेंज हो गया इसको रख देते हैं, इसको फर्दर चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, 1/ ऐसे लिख लेते हैं 1/log 5 base 10। अगर हम लोग किसी भी log को 1/ फॉर्म में करते हैं तो वैल्यू और जो बेस है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर जाएगा, तो ये 10 के जगह 5, 5 के जगह 10 हो जाएगा अगर हम लोग 1/ कर देते हैं, दिखाते हैं देखो यहाँ पर अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये देखो लॉग अगर ए पे सेम है, मुझे अगर एम और ए को इंटरचेंज करना है तो मुझे 1/ लिखना पड़ेगा, तो मैंने 1/ लिख दिया, इससे देखो इंटरचेंज होके यहाँ पर बेस 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 के साथ ये, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो लॉग 31 base 10 डिवाइडेड बाई लॉग 5 base 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई लॉग 5 base 10 हो गया, ये जो लॉग था इसको पूरा हम लोगों ने इंटरचेंज करके इसका बेस 10 ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे यहाँ पर इंटरप्रेट किया फिर से बताते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने 31 और ये 5 को मैंने अलग अलग लिख लिया, ठीक है, 31 जहां था वहां, 5 जहां था वहां। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बेस 10, तो यहाँ भी मुझे 10 लिखना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है, देखो
क्योंकि हम लोग ओरिजिनल डेटा को कभी नहीं चेंज कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया, एक तो फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला को समझो, log 31 डिवाइडेड बाय log 10 इसका मतलब, और ये हो जाएगा log 10 बाय log 5. तो मुझे log 10 का इंपैक्ट तो हटाना है क्योंकि वो तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, बट ऐसे मुझे चेंजेस करना है कि ओरिजिनल डेटा में कोई इंपैक्ट ना आए. तो ओरिजिनल डेटा पे इंपैक्ट नहीं आया, log 31 बाय log 5 ही रह गया, जिसका मतलब होता है log 31 बेस 5, ठीक है. लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ, बेस जो है 5 ही रह गया, बट हमें बेस 5 नहीं चाहिए, हमें पूरा बेस का चेंजेस चाहिए कॉमन बेस यानी कि 10 में. तो मैंने log 10 बेस 5 को 1 by log 5 बेस 10 कर दिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं इसका प्रेजेंटेशन, इस तरीके से लिखते हैं, तो वो log का कॉमन log कॉमन बेस में चेंज हो गया, ठीक है, 10 के अकॉर्डिंग हो गया. अब बोला था कॉमन बेस, अगर कुछ और बोलेगा तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्टली लिख लिया है इन्होंने. अच्छा, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं. प्रूव करने बोला है कि log 8 बेस 3 log 16 बेस 9 इंटू log 10 बेस 4 इक्वल टू 3 log 2 बेस 10, ठीक है. एग्जाम्पल 5 देखो क्या बोला है, log 8 बेस 3 होल डिवाइडेड बाई log 16 बेस 9 log 10 बेस 9, ठीक है, सॉरी log 10 बेस 4, log 10 बेस 4 इक्वल टू 3 log 2 बेस 10 होगा. ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, मतलब हमें ऐसा कैलकुलेशन करना है कि सामने 3 आ जाए और ये log 2 बेस 10 हो जाए, ठीक है. चलो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं LHS से, मतलब इस साइड से. वैसे प्रूफ हमें देगा नहीं 1 मार्क के लिए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जितना देखोगे उतना log का क्वेश्चन करने में आसानी रहेगा. तो ये देखो 8 बेस 3 log 16 बेस 9 इंटू log 10 बेस 4, ठीक है. अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. देख यहां पर लिख लेते हैं log 8 डिवाइडेड बाय log 3, सिंपल ऐसा लिखो. हम चाहते हैं कि जितना सिंपल तरीके से तुम लोग को बोले, ताकि तुम लोग को ज्यादा फॉर्मूले का जो है बर्डन नहीं लेना पड़े. ये देखो log 16 बाय log 9, ये तो आसानी से याद रहेगा ना. फिर log 10 बाय log 4, ठीक है. अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और नीचे log 3 जैसा है, होल डिवाइडेड बाय यहां पर log 3, होल डिवाइडेड बाय log 16 को हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर 4, log 9 को लिख देते हैं 3 टू दी पावर 2, log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, log 10 का वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, और यहां पर log 4 लिख दिया, 4 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, देखते हैं इससे क्या हेल्प होता है. अच्छा, अब ये जितने भी पावर है सामने आ जाएंगे, लॉगरिथम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जितना भी पावर है वो सामने आ जाएगा, यानी 3 log 2 डिवाइडेड बाई log 3, ये देखो, होल डिवाइडेड बाई 4 log 2, 4 log 2 डिवाइडेड बाय 2 log 3, 2 log 3 इनटू ये 1 हो गया है, और 2 log 2 यहां पर लिखेंगे 2 log 2. अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये log 2 कैंसिल आउट, 2 से ये 4 कैंसिल आउट होके 2 हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया. तो यहां क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 3, और नीचे बच रहा है 1 by log 3, मतलब ये रिवर्स होके log 3 by 1 आ जाएगा, ठीक है. तो log 3 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 3 log 2, ठीक है, ये आ रहा है 3 log 2. अच्छा, अब देखो यहां पर 3 log 2 टू द बेस 10 है ये, और इसमें कोई फर्क नहीं है. क्यों फर्क नहीं है, ये देखो 3 log 2 टू द बेस 10 का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं log 2 by log 10, और log 10 का मतलब तो 1 हो जाता है, यानी यही 3 log 2 है, ठीक है, log 10 तो 1 हो जाता है. तो 3 log 2 बेस 10 या 3 log 2 एक ही बात है. तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके जगह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 log 2 टू द बेस 10, क्योंकि ये और ये सेम है. कैसे, अभी दिखाया, ये देखो
थ्री लॉग टू डिवाइडेड बाई लॉग टेन, जहां पर लॉग टेन वन होता है तो ये थ्री लॉग टू ही रह गया, यानी सिमिलर बात है, ठीक है, एकदम सेम बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ये टेन यहाँ पर नहीं है तो गलत आंसर आ रहा है, नहीं, क्योंकि तुम लोग देख लो थ्री लॉग टू बाई लॉग टेन करने पर वन आएगा तो थ्री लॉग टू ही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो कितने आसानी से हम लोगों ने किया, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने इंडिसेस ही यूज किया। सबसे पहले लॉग एट को मैंने यहाँ पर 8 बाई लॉग 3 फॉर्म में लिख लिया, फिर लॉग 16 को लॉग 16 बाई लॉग 9 लिख लिया, लॉग 10 को लॉग 10 बाई लॉग 4, लॉग 10 टू द बेस 4 को लॉग 10 बाई लॉग 4, 8 को 2 टू द पावर 3, 3 तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा, 16 को 2 टू द पावर 4, 9 को 3 टू द पावर 2, 10 के जगह 1 लिख दिया, 4 का 2 टू द पावर 2 लिख दिया। अब जितने भी पावर थे लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सामने ले लिया, 3 लॉग 2 बाई लॉग 3, 4 log 2, ये देखो 4 log 2 divided by 2 log 3 into 1 divided by 2 log 2. अब देखो log 2 cancel, 2 से 4 cancel out होके 2, ये 2 और ये 2 cancel out, बचा 1 by log 3. 1 by log 3 reverse होके log 3 by 1 हो गया, again log 3 cancel out, बस 3 log 2 बच रहा है, तो 3 log 2 prove हो गया, कि prove करने बोला था कि this one equal to this one होगा, ठीक है, तो ये हम लोग का prove हो गया। तो जितना आसानी से कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, ये वन यहां पर बोला है कि और एक कुछ क्वेश्चन रह गया शायद, एक सेकेंड, अभी कुछ क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 5 इफ लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है। अब ये लॉग का वैल्यू कहाँ से आता है, अगर तुम लोग गूगल या कैलकुलेटर, अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसे लिखोगे तो तुम लोग को वो वैल्यू दिखाएगा, एक्चुअली लॉग टेबल के वजह से ही होता है। लॉग 2 लिखेंगे ना, ये देखो लॉग 2, यहाँ पर लॉग 2 वैल्यू, ये देखो log 2 का वैल्यू दिखा रहा है 0.301, यहाँ पर तीन डिजिट दिखा रहा है, ये देखो 0.3010, यहाँ पर फोर डिजिट्स में आंसर लिखे हुए हैं। तो log का वैल्यू जो है डायरेक्टली ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर या गूगल करोगे तो भी तुम लोग को मिलेगा, बाकी वैल्यू का हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, हमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं होगा, क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल नंबर हम 6 लिख लेते हैं इसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 5 इफ लॉग 2 इज इक्वल टू 0.301, तो लॉग 5 कितना होगा ये पूछ रहा है, अगर लॉग 2 जो है वो 0.3010 है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक ट्रिक फॉलो करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 को 10 से रिप्रेजेंट कर पाए, 5 को 10 का यूज करके रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि हम लोग इसका आंसर निकाल पाए, बिकॉज log 10 1 होता है ये हमें पता है। तो कैसे लिखेंगे, 5 के जगह लिखेंगे 10 बाई 2, तो वो भी 5 ही होता है, 10 बाई 2 भी तो 5 होता है, और इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, log m बाई n हो गया, log m बाई n का मतलब log m माइनस log n, ठीक है, log m माइनस log n, बेस नहीं है तो बेस नहीं लिखेंगे, log 10 1 होता है और 0.3010 माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 0.3010, तो ये हो गया 0.699। इस तरीके का क्वेश्चन काफी आता है लॉग वाले चैप्टर से, आसान होता है ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक्स रहता है, जब भी हमें वैल्यू दे देगा और बोलेगा लॉग 5 निकालो या कुछ और, हमेशा कोशिश करो कि उसे हम लोग लॉग 10 के तरह रिप्रेजेंट कर पाए, लॉग 10 का यूज करके, चाहे डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, कैसे भी, लॉग 10 का यूज करने से क्या होगा, हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाता है 1, उससे हम लोग आंसर को निकाल पाएंगे। और ऑप्शन में तुम लोग देखोगे इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर जो है नंबर्स में होंगे, ठीक है, वहां पर कोई एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला तो मैंने बताया, नेक्स्ट हम लोग ये वाला करेंगे, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2, एग्जाम्पल 7, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2 कितना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये x है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें क्या बोलता है, ये है बेस,
बेस टू द पावर, ये है पावर, बेस टू द पावर, पावर इक्वल टू वैल्यू यानी 64. तो 2 रूट 2 इक्वल टू होल टू द पावर x, तो 64 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से हमारा मतलब 2 रूट 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, ये सोचो तुम लोग. 2 रूट 2 को कितने बार, क्योंकि अगर हम लोग इधर 2 रूट 2 से प्रेजेंट करेंगे तो ही ना हमारा कॉमन होके x इक्वल टू ये पावर के साथ मैच हो जाएगा. तो 2 रूट 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, क्या तुम लोग अपने कॉपी में चेक करके देख सकते हो? ऐसे करके 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 ऐसे करके चेक करके मुझे बोलो कि कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, बताओ. बोलो कितना बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा. बोलो कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, चेक तो करके देखो. 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8. बोलो और कितना बार लिखने से हो जाएगा 64, दो बार लिखने से तो 8 हुआ, तो कितने बार लिखने से 64 होगा? अरे बोलो, बोलो. 2 रूट 2 को मैंने दो बार लिखा तो 8 आया, तो और कितना बार लिखने से 64 आएगा? तीनों में से कोई नहीं बोल सकती. 2 रूट 2 को 3 बार, 3 बार करने से कैसे आएगा फिर इसमें? अच्छा, 3 टाइम्स अगर करते हैं तो 2 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, बोलो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज 4, 2 ज 8, ठीक है. 2 रूट 2 में एक 2 होता है यानी 2, और एक रूट 2 रह जाएगा ना, फिर ये 16 रूट 2 हो गया, लेकिन मुझे तो 64 चाहिए, तो और कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फिर से चेक करो और एक बार मल्टीप्लाई करके देखो होता है कि नहीं, और एक बार देख लो, कम हो रहा है ना, तो और एक बार करेंगे. 64 से तो कम आ रहा है, तो और एक बार चेक करके देखेंगे. इंटू 2 रूट 2, बोला कितना होगा? 16 इंटू 2 32, 32 इंटू रूट 2, रूट 2 में 2 होता है, तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 64, है ना. अगर हम लोग अनइवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट 2 रह जाएगा ना, जब तक 2 रूट 2 नहीं होता है वो तो 2 हमें प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमें क्या लाना है 64, कोई रूट 2 हमारा नहीं होना चाहिए, है ना. मतलब कोई 64 रूट 2 तो बोला नहीं है, सिर्फ 64 बोला है, मतलब एक इंडिविजुअल इंटीजर नंबर बोला है, तो हमें वही लाना पड़ेगा. तो 2 रूट 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, कॉपी में लिखने से ही तो पता चलेगा ना. ये देखो, ऐसे करने से अगर तुम लोग देखो, तुम लोग कैसे बोल रहे हो कि 3 बार, लेकिन चेक करो ना, 2 2 2 8 8 और ये 3 टाइम्स. अगर ये कैलकुलेटर पे भी होगा, ये देखो, अगर ऐसा करोगे, लेकिन कैलकुलेटर ना अपना वैल्यू बता देता है, यही प्रॉब्लम है. ये देखो, 2 रूट 2, ठीक है, इनटू इनटू, ये देखो, इनटू 2 रूट 2 इक्वल टू, ये देखो 2 आएगा, लेकिन ये कितना देरी लगता है ना, इसमें कितना टाइम लग जाएगा कि रूट 2 फिर इंटू रूट 2 ऐसे करोगे, 2 आ जाएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन काफी टाइम टेकिंग होगा. लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, 2 रूट 2 इंटू 2 फिर से रूट 2 ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ऐसे 5.6, लेकिन ये पॉइंट पॉइंट दिखेगा. तो देखो, 2 रूट 2 में तो 2 होता है, ये हम लोग इंडिसेस पढ़ के तो समझ रहे हैं ना. 2 रूट 2 लोगे तो 2 ही तो होगा, क्योंकि 2 टू दी पावर हाफ और 2 टू दी पावर हाफ, तो 2 टू दी पावर हाफ प्लस हाफ यानी 2 टू दी पावर 2 बाई 2 यानी 1, ठीक है. तो हमेशा 2 रूट 2 में एक 2 होता है. क्या सिर्फ रूट 2 के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, क्यों सिर्फ रूट 2 के लिए होगा? 2 रूट 5 ले लो तो भी 5 आएगा, 5 टू दी पावर हाफ, 5 टू दी पावर हाफ, तो 5 टू दी पावर हाफ प्लस हाफ यानी फिर से वही 1, ठीक है. कुछ भी ले लो, 5 के जगह 15 ले लो, 10 ले लो, 7 ले लो, 3 ले लो, 9 ले लो, जो भी ले लो, ठीक है. तो तुम लोग का 2 बार रूट 2 मल्टीप्लाई करने से वो सिंगल डिजिट आ जाएगा जिसका रूट 2 तुम लोग, जिसका रूट तुम लोग कर रहे हो, ठीक है. जैसे कि 2 बार रूट 2 लेने पे 1 2, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 4 टाइम करने से हो जाएगा. तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से करके देखो, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो गया 4, ठीक है. कोई बात नहीं, गलत हो सकता है, लेकिन आंसर दो मुझे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग क्लास में हो भी कि नहीं. कुछ नहीं बोल रहे हो,
मानते हैं कि अगर जिनका मैथ नहीं उनके लिए टफ है, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसान किया जा सकता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आंसर दे ही रहे हो। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग ये वाला करेंगे, लॉग बी सी बेस ए इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 8, लॉग बी सी बेस ए इक्वल टू एक्स। अच्छा उसके बाद लॉग सी ए बेस बी इक्वल वाई और लॉग ए बी बेस सी इक्वल जेड, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट, अब इसमें प्रूफ बोला है, वैसे प्रूफ कम आता है लेकिन है क्वेश्चन तो इसीलिए हम करवा देते हैं, प्रूफ आएगा ही नहीं क्योंकि ये सब प्रूफ का जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ना, ये लगभग कम से कम 4 to 5 मार्क्स का होना चाहिए ये सब प्रूफ, लेकिन दिया है तो कर लेते हैं। यहाँ पर प्रूफ करने बोला है कि दिस वन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है? अब कैसे हम लोग प्रूफ करें, अब देखो हम लोग के पास एक्स का वैल्यू प्रेजेंट है, वाई का वैल्यू प्रेजेंट है, जेड का वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई जेड के जगह तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? नीचे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से 1 आता है कि नहीं देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं हम x का वैल्यू इंडिविजुअली निकालते हैं, ठीक है? तो स्पेस कम लगेगा और यहाँ पर समझने में भी आसानी होगा, मतलब ये डायरेक्टली पुट नहीं करके हम सिर्फ x का वैल्यू लिखते हैं, x का वैल्यू है x प्लस 1 का वैल्यू लिखते हैं। ये देखो हम पहले x प्लस 1 निकालते हैं, x प्लस 1 कितना होगा, log bc बेस a प्लस 1, ठीक है? ये क्या किया मैंने, यहाँ से सिर्फ x प्लस 1 को पिक किया और हम ये फाइंड आउट करें कि x प्लस 1 कितना हो सकता है, तो x के जगह x का वैल्यू पुट किया और तो कुछ नहीं किया, प्लस 1 था प्लस 1 लिख लिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम तुम लोगों से पूछेंगे, ये है लॉग बी सी बेस ए, अब अगर हम यहाँ पर 1 की जगह ये लिख देते हैं लाइक लॉग ए बेस ए, ठीक है? ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लॉग बेस और पावर, बेस और वैल्यू, पावर तो नहीं है, पावर तो वैल्यू आता है, ये वैल्यू और बेस अगर हम लोग का इक्वल हुआ तो आंसर 1 होगा, लॉग ये जैसे x बाई x हुआ तो भी 1 होगा, लॉग y बाई y होगा तो भी 1 होगा, ठीक है? तो 1 की जगह मैंने क्या लिखा, लॉग ए बेस ए, ए ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका बेनिफिट देखो, अब ये क्या हो गया, दोनों बेस इक्वल है और प्लस है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कैसे, बी सी ए और यहाँ पर बेस ए हो गया। देखो जैसे मैंने आज तुम लोग का स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लॉग का क्या लिया, एम एन पी बेस ए, तो लॉग एम बेस ए, लॉग एन बेस ए, लॉग पी बेस ए, ठीक है? तो अगर हम लोग का बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी एडिशन था तो हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया क्योंकि बेस इक्वल था और इससे हमें एक सिंगल वैल्यू मिल गया इसका, ठीक है? इसका हमें एक सिंगल वैल्यू मिल गया। सेम तरीके से हम लोग y प्लस 1 और z प्लस 1 को भी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग को ये पूरा क्वेश्चन अगर प्रूफ में नहीं भी देता है, सिर्फ इतना सा देके भी तो पूछ सकता है कि बताओ वैल्यू कितना होगा, तो पता तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर तुम लोग बताओ नेक्स्ट क्या होना चाहिए, वाई प्लस 1 को हम लोग क्या लिखे, सबसे पहले वाई का वैल्यू जो है वो तो लिख देंगे, लॉग सी ए बेस यहाँ पर लिखेंगे बी जैसा था प्लस 1, ठीक है? अब मुझे बताओ कि 1 के जगह मुझे ऐसा क्या लिखना चाहिए ताकि ये ऐसे हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, लॉग ये 1 के जगह लॉग ऑफ कितना लिखे ताकि प्लस में आ जाए, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए तब जाके हमारा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला लगेगा, प्लस तो है तो मल्टीप्लीकेशन ही लगेगा, कुछ और तो नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन मेरा बेस इक्वल होना चाहिए तो बोलो मुझे 1 के जगह लॉग कितना लिखना चाहिए, 1 भी हो जाए और ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाए, सेम तरीके से तुम लोग देख के मुझे बताओ, इसके साथ कंपेयर करके मुझे बताओ कि कितना लिखना चाहिए। लॉग बी बेस बी, ठीक है? लॉग बी बेस बी क्यों, देखो पहला बात है बी बेस बी 1 हो जाएगा, दूसरा बात है कि यहाँ बी है तो यहाँ भी बी लिखेंगे तभी तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग सी ए
बी और यहाँ पर हो गया बेस बी. सेम तरीके से जेड प्लस वन का बताओ फिर से. लॉग ए बी बेस सी, जेड का वैल्यू लिख लिया, वन था वन लिख लिया. अच्छा अब ये लिखा है मैंने लॉग ए बी बेस सी, अब बोलो वन के जगह हम ऐसा क्या लिखे लॉग के थ्रू से रिप्रेजेंट करें, वन भी रहे और यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले पे ट्रांसफर कर दे. ध्यान क्या रखना है, बेस इक्वल होना चाहिए बस. तो अगर यहाँ सी है तो मुझे भी लॉग का बेस सी रखना पड़ेगा, लेकिन अगर सी रखेंगे तो वैल्यू क्या रखें ताकि वन आ जाए, बोलो कितना लिखे. लॉग सी, ये देखो ऐसे सोचो यहां सी है तो मुझे यहां सी लिखना पड़ेगा, तब ना जाके हम ये प्लस को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे. लेकिन यहां सी लिखने से तो और वन नहीं आएगा, वन को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना. लॉग सी बेस सी लिखेंगे तो इसके बदले वन लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना. तो यहां पर हो गया लॉग ए बी सी बेस सी, लॉग ए बी सी बेस सी. ठीक है हम फिर से बताते हैं. देखो यहाँ पर हमें ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये पूरा गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में. ठीक है तो सिमिलरली यहाँ पर देखो सिंपल से क्वेश्चन बोला है कि x का वैल्यू दे दिया है, y दे दिया है, z दे दिया है, ये वैल्यू निकालो. मान लो ये प्रूफ करने नहीं बोलता, बोला वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे log bc base a, y का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, z का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे. वैसे भी हम लोग कर सकते लेकिन उसमें बार बार वन बाई लिखना पड़ता, तो मैंने इसको क्या कर दिया इंडिविजुअली, मैंने x प्लस वन निकाल लिया, y प्लस वन निकाला और z प्लस वन. अब कैसे निकाला, x के जगह x का वैल्यू लिखा फिर प्लस वन लिखा. ठीक है अब वन को मैंने कैसे लिखा, log a by a base a, ये वन होता है और a base a ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ a था, यहाँ भी base a लगाया तो ये प्लस जो है ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा. सेम तरीके से जब हम लोग ये y वाला देखेंगे उसमें भी हमें बेस यहाँ पर b लगाना चाहिए ताकि हम लोग का क्या हो, यह मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ सके. अब ये b है तो यहाँ पर भी b लिखना पड़ेगा, तब तो जाके वन सेटिस्फाई होगा. सेम तरीके से यहाँ c है तो यहाँ c लगाएंगे ताकि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ सके, और यहां भी सी लिखना पड़ेगा तब वन होगा. और वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया log m, ये देखो ये ऐसे हो गया log m base a plus log n base a equal to log m n base a. तो ये bc है, m के जगह यहां पर a है, तो मल्टीप्लाई और a, यहां पर भी वही मल्टीप्लाई और b, मल्टीप्लाई और c. ठीक है ये इतना सारा चीज लिखने पे लगेगा कि काफी, मतलब तुम लोग को लगेगा बाप रे बाप क्या हो रहा है, इतना ज्यादा मतलब हेडेक जैसा लगेगा, लेकिन उतना भी कुछ नहीं है. ठीक है ये लिखने का इतना सारा डेटा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लिखने में जितना टाइम लग रहा है उतना कुछ फॉर्मूला अभी तक अप्लाई हुआ ही नहीं. अगर देखो तो जस्ट एक ट्रिक्स अप्लाई हुआ है. अब वन डिवाइडेड बाई लिखना पड़ेगा वन, अब वैल्यू लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन. अब एक्स प्लस वन हम लोग निकाल चुके हैं लॉग बी सी ए बेस ए, तो ये लिख लेंगे लॉग बी सी ए बेस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई, वाई के लिए लिखेंगे लॉग सी ए बी बेस बी, लॉग सी ए बी बेस बी प्लस वन बाई लॉग ए बी सी बेस सी, लॉग ए बी सी बेस सी. ठीक है अब देखो सभी का बेस अलग अलग है लेकिन ऊपर यहाँ जो वैल्यू है ना वो सबका सेम है. देखो क्यों, बी सी ए या ए बी सी एक ही बात है, सी ए बी या ए बी सी एक ही बात है, और ये ए बी सी है. मतलब अगर हम लोग इसको अल्फाबेटिकली लिखे, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए, तो बी सी ए को हम लोग ए बी सी और सी ए बी को ए बी सी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है. अब वन बाई है, अब वन बाई है इसको अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो लॉग हमें क्या बोल रहा है, लॉग का फॉर्मूला ये है कि हम लोग इसको ये जो है पावर और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हम लोग वन को हटा देते तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए बी सी आ जाएगा. सिमिलर तरीके से यहाँ पर हो जाएगा लॉग B और ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पर हो गया log C और यहाँ पर हो गया ए बी सी. अच्छा ये कैसे पॉसिबल है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये देखो मैंने फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया है. ये देखो अगर हम लोग बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो वन बाई कर देंगे, बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो वन बाई कर देंगे, सेवेंथ नंबर फॉर्मूला. और यहां से हम लोग यहाँ भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वन बाई को अगर हम लोग नहीं रखना चाहते हैं, वन बाई को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो उसके बदले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए, ये देखो ये चेंज हो गया,
ए बी सी के जगह ए और ए के जगह ए बी सी. तो देखो यही सब तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर करने लायक क्वेश्चन होगा एग्जाम में करके आ जाओगे. ठीक है, ये देखो लॉग ए ए बी सी, लॉग बी ए बी सी, लॉग सी ए बी सी. अभी हम जितना बार भी क्यों ना बोले, अगर तुम लोग सिर्फ बात को ध्यान से सुनोगे मतलब तो फिर आंसर जरूर कर पाओगे. तो यहाँ पर देखो ये सारे बेस हम लोग के इक्वल हो गए. अब हम लोग ये मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन है, बेस सबका इक्वल है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हैं. लॉग ए बी सी और यहाँ पर ए बी सी, ये कैसे हुआ, मैंने क्या लिखवाया था, लॉग एम एन पी, और यहाँ पर अगर ए लिखते हैं तो क्या होता है, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए प्लस लॉग पी बेस ए. ठीक है, तो ये भी तो वैसे ही हुआ, बेस ए के जगह है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, सभी का बेस इक्वल है, वैल्यू अलग अलग है, प्लस है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं. और लॉग ए बी सी बेस भी ए बी सी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, बेस और वैल्यू इक्वल होने से वन हो जाता है. इसका रीजन क्या है, बिकॉज लॉग ए बी सी बाई लॉग ए बी सी फॉर्मेट में हम लोग इसे लिखेंगे. ठीक है, तो ये हम लोग का वन हो जाएगा. अब ये बार बार डिवाइड करके लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग जो है करते करते हैबिट हो जाएगा कि अगर बेस और जो ये बेस है और ये जो वैल्यू है, मतलब पावर है, नॉट वैल्यू, पावर जो है, ये अगर हम लोग का, सॉरी, हाँ वैल्यू, मैंने गलत बोल दिया, ये देखो ये वैल्यू और ये हम लोग का बेस होता है, ये दोनों अगर इक्वल होता है तो लॉग का वैल्यू हम लोग का वन हो जाएगा. ठीक है, वन हो जाएगा. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं. ये तो हमें प्रूफ दिया था, चलो हो गया, यहाँ पर वन आ गया, आंसर प्रूफ हो गया. अच्छा चलो, अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल थ्री यहाँ लिखा है, ए इक्वल टू लॉग 12 बेस 24, बी इक्वल टू लॉग 24 बेस 36, सी इक्वल टू लॉग 36 बेस 48. प्रूफ करने बोला है 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 2 बी सी. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो एग्जाम्पल एट लिख दिया है, तो इसके बाद एग्जाम्पल नाइन लिखेंगे. ये देखो एग्जाम्पल नाइन क्या बोला है हमें, a इक्वल टू लॉग 12 बेस 24, b इक्वल टू लॉग 24 बेस 36, c इक्वल टू लॉग 36 बेस 48. प्रूव दैट 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 2 बी सी. 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 2 बी सी, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो हम लोग 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस ए बी सी बोला है, तो a का वैल्यू क्या है, log 12 बेस 24 b मल्टीप्लाई होगा, तो b का वैल्यू है log 24 बेस 36 c का वैल्यू है log 36 बेस 48, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं. तो यहाँ पर देखो हम लोग सिंपल इसको कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि आसानी से करें ताकि तुम लोगों को ज्यादा फॉर्मूला याद ना रखना पड़े. तो 12 बेस 24 को सिंपल ये वाला फॉर्मूला हमेशा देखो हर एक क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग ये अप्लाई कर पा रहे हैं, तो लॉग 12 बाई लॉग 24 लिख दो. ठीक है, अच्छा इसको लिखो लॉग 24 बाई लॉग 36, इससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा डेटा कैंसिल आउट हो जाएगा. लॉग 36 डिवाइडेड बाई लॉग 48. ठीक है, अब ये देखो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट. अब ये 12 से 48 को मत कैंसिल कर दो, क्योंकि ये सिर्फ 12 नहीं है, log 12 है और ये log 48 है, तो log 12 का अपना वैल्यू होता है log 48 का. देखो हम दिखाते हैं क्यों हम बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि log 12 वैल्यू, ये देखो लॉग 12 का वैल्यू ऐसे आता है 1.079, ये लॉग टेबल से आया हुआ है. और यहाँ पर देखो लॉग जो कहाँ चला गया, ये रहा लॉग जो 48 है उसका वैल्यू देखो, यहाँ पर लॉग जो 48 है उसका वैल्यू देखो, उसका वैल्यू हम लोग का ये 1.7 आ रहा, तो 1.68. तो ये ऐसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि 12 से 48 को कैंसिल आउट कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये 12 नहीं है, ये लॉग 12 है जिसका अपना एक वैल्यू होता है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कितना फाइंड आउट कर पा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है हम लोग का 1 प्लस लॉग 12 डिवाइडेड बाई लॉग 48. अच्छा, अब इधर पे भी पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर 2bc का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू b का मतलब है log 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 48. ठीक है, यहाँ पर 48 हो. अच्छा, अब ये देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू
log 24 divided by log 36 into log 36 divided by log 48, ठीक है। अब देखो 36 36 कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है, 2 into log 24 divided by log 48, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 2 into हो रहा है, ठीक है, तो 2 into log 24 हो रहा है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 24 to the power 2, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मल्टीप्लाई करके अगर कुछ सामने है तो उसे हम लोग पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय log 48। अब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना आता है, चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, 24 का स्क्वायर 24 into इक्वल टू 576, मतलब ये आ गया log 576 डिवाइडेड बाय log 48, ठीक है, log 576 डिवाइडेड बाय log 48। अच्छा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस ये प्रूफ के लिए इसको भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का डायरेक्टली तो आंसर आया नहीं, तो 1 प्लस log 12 बेस 48 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो इसको कहाँ लिखे, चलो हम इसको ना नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं, ये देखो 1 प्लस log 12 बेस log 48 डिवाइडेड बाय log 48, ये था, मैंने इसको इंटरचेंज नहीं किया, बट इधर का जब कैलकुलेट किया तो हम लोग का आंसर आ रहा है log 576 डिवाइडेड बाय log 48, तो उस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। तो 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह ये देखो ऐसे लिखते हैं पहले 1 प्लस log 12 बेस 48, क्योंकि डिवाइड को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इससे ही तो डिवाइड होता है ना, तो 1 है, 1 को क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ताकि हमारा जो है एक कंसाइज फॉर्म भी आ जाए और 1 के जगह भी हम लोग लिख पाए, जैसे ये 48 है तो हमें यहाँ 48 लिखना चाहिए, तो यहाँ भी 48 लिखेंगे तो 1 हो गया, प्लस log 12 बेस 48। अब ये देखो ये दोनों जो एडिशन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 48 इंटू 12 और यहाँ बेस 48, 48 इंटू 12 कितना आता है देखते, 576 आ गया, तो log 576 बेस 48 सेम आंसर आ गया, इधर भी वही है, ये इसको भी तो हम लोग चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, log 576 बेस 48, डिवाइड फॉर्म को तो हम लोग बेस में ही लिख सकते हैं ना, ये देखो बेस से ही तो डिवाइड फॉर्म में हो सकता है ट्रांसफर, तो देखो फिर से बता दे क्या किया मैंने, log 12 बाई 24 लिख दिया इसको, इसको 24 बाई log 24 बाई log 36, इसको log 36 by log 48, और जो भी कॉमन था वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 36 36 कैंसिल आउट हो गया log का और log 24 24 बचा क्या, log 12 और डिवाइडेड बाय log 48, ठीक है, 1 प्लस log 12 बेस 48 डिवाइडेड बाय log 48। अब इसको 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि ये प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सके, मल्टीप्लाई तभी होगा जब बेस इक्वल होता है, तो हम लोगों ने बेस इक्वल लगा दिया, अब 1 करने के लिए अभी 48 लिखना पड़ेगा, अब देखो मल्टीप्लाई करके 48 into 12 और यहाँ बेस 48, अब ये 576 और ये 48 हो गया, और जो राइट हैंड साइड था, ठीक है, प्रूफ करने बोला था ना, उसमें भी हम लोगों ने BC का वैल्यू पुट किया, तो B का वैल्यू log 24 बेस 36 को ऐसे लिख लिया, log 36 बेस 48 को ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ पर भी कॉमन जो है कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा log 24 डिवाइडेड बाय log 48, और सामने 2 मल्टीप्लाई था, तो जो भी सामने डेटा मल्टीप्लाई होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं, पावर है तो सामने आ जाएगा, सामने है तो पावर में ट्रांसफर कर देंगे, 24 का स्क्वायर 576 और log 48 जैसे था वैसा लिख दिया, अब ये डिवाइड है, इसको हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, log 576 टू द बेस 48, log 576 टू द बेस 48, ठीक है, तो मैंने देखो फिर से एक बार बताया कि कैसे करके करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अब हम लोग एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1D, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि log 6 प्लस log 5 इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है log 6 प्लस log 5 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ये बता, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है log 11 log 30 log 5 by 6 none of this, बोलो कौन सा आंसर होगा, बोलो फॉर्मूला देख के बोलो, पहला वाला फॉर्मूला,
पहला फॉर्मूला देख के बोलो, बेस कुछ भी नहीं है लेकिन ऐड है तो मल्टीप्लाई तो होगा ना. चलो हिंट्स तो दे ही दिया, मतलब बता ही दिया, बोलो क्या होगा आंसर. हाँ बोलो, अरे बोलो. हाँ log 30 होगा, log 6 into 5, ऐड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 30 यानी कि ऑप्शन बी. देखो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का log 30. अच्छा log 8 to the base 2 कितना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, log 8 to the base 2 ये कितना होगा. तो log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 to the base 2. अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, देखो अगर हमारा पावर है तो वो मल्टीप्लाई होकर सामने आ जाएगा, सामने कुछ डेटा मल्टीप्लाई है तो वो रिवर्स में पावर में चला जाएगा. तो यहाँ पर देखो ये पावर है तो पावर का डेटा सामने आ जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग टू बेस टू. अब देखो 3 इंटू लॉग टू बेस टू कितना होता है, 1 होता है. अगर वैल्यू और हम लोग का बेस इक्वल होता है तो लॉग का आंसर 1 होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का 3. तो सेकेंड वाला आंसर हो गया 3, यानी कि ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, जिस मतलब जो एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल होता है, ज्यादा वो प्रूफ वाला क्वेश्चन कम ही आता है. लॉग 32 बाई 4 इज इक्वल टू, बोलो इसको क्या लिखेंगे, लॉग 32 बाई 4 इसको क्या लिखना चाहिए बोलो. ये तो तुम लोग फॉर्मूला देख के ही बोल सकते हो, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. लॉग 32 बाई 4 इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग एम बाई एन है तो क्या लिखना पड़ेगा, लॉग एम माइनस लॉग एन. क्या इसके बाद भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, हाँ 2 टू दी पावर 5 लिख लो, इसको 2 टू दी पावर 2 लिख लो, लेकिन ऑप्शन हमें इतना ही दिया है. ये देखो लॉग 32 माइनस लॉग 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है, अदरवाइज इसको हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही पर खत्म हो जाएगा. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 2. अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो फिर इसके आगे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 5 लॉग 2 माइनस 2 लॉग 2. ठीक है, अब अगर हम लोग 5 log 2 और 2 log 2 का कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 3 log 2. क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. जैसे मान लो 5x और 2x, क्या कैलकुलेशन नहीं होता है, होता है 3x, वैसे ही x के जगह है log 2, 5 into log 2, 2 into log 2 माइनस है तो 3 log 2, तो वैसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 log 2. ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 3 log 2 होता है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. तो यहाँ ऑप्शन मेरा इतना तक था तो हमें इतना ही सॉल्व करना चाहिए, ये करने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर 3 log 2 है तो वो कैसे निकलेगा, वो हम लोग इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा. अच्छा फिर फोर्थ नंबर देखो, log 1 into 2 into 3, ये तो काफी आसान है. बोलो log 1 into 2 into 3, मतलब पहला वाला हमारा फॉर्मूला log m into n into p, बोलो log 1 into 2 into 3 क्या होगा, बोलो मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, बेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन मानेंगे. बेस कॉमन नहीं होता है तो ही प्रॉब्लम है, या तो कॉमन बेस रहे या तो ना रहे. कॉमन बेस इन द सेंस हम बोल रहे हैं एक ही जैसा बेस. तो यहाँ पर जैसे था लॉग 6 प्लस लॉग 5 को क्या लिखा था हम लोगों ने, लॉग 6 इंटू 5, यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई है तो एडिशन भी लिखना पड़ेगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, बोलो 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग. हाँ log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये कौन सा मुश्किल है बोलो, ये तो आसान ही है ना. अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर में क्या बोला. अच्छा इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए. अच्छा फिफ्थ नंबर में देखो, द वैल्यू ऑफ log 0.001 टू द बेस 0.1, log टू द बेस 0.0001 0.1 ये कितना होगा. ठीक है, तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो लॉग
यहाँ पर अगर 0.1 to the power 4 करते हो ना कैलकुलेटर पे, देखो ये देखो 0.1 को 4 times मल्टीप्लाई करो, 2 times 3 times 4 times, तो ये आ गया 0.001 और ये 0.1। यहाँ पर ये पावर में 4 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने, तो ये लॉग 0.1 और यहाँ 0.1, लॉग 0.1 टू द बेस 0.1। अब ये बेस और ये वैल्यू इक्वल होने से आंसर 1 होता है, तो 4 into 1 4 हो गया, ठीक है, 4 into 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हम लोग का ऑप्शन बी, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। तो देखो हम फिर से बता रहे थे ये वाला, इसको मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, तो 0.1 to the power 4। क्या एग्जाम में ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा? मतलब देखो याद रखने का जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज, एक हिंट यूज कर सकते हो, यहाँ अगर 0.1 है तो कोशिश करो यहाँ भी 0.1 से होता है कि नहीं, मतलब चेक करो, चेक करने में क्या जाता है, कैलकुलेटर पे चेक करो। हाँ अगर किसी 0.1 को कुछ टाइम मल्टीप्लाई करने पे अगर हमारा ये आ जाता है तो वेल एंड गुड, ऐसे लिख देंगे, 4 सामने आ जाएगा, कैलकुलेशन हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो कुछ अलग करना पड़ेगा, तब तुम लोग को इसको लिखना पड़ेगा 1 divided by ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 0.1, फिर log 1 माइनस, ये भी इस तरीके से भी सॉल्व होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, ये आसान है। तो पहले हमेशा कोशिश करो कि 0.1 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आता है कि नहीं आता है, वो पहले चेक करना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अच्छा इसमें बोला है 2 log x equal to 4 log 3 x equal to कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर सॉल्व करके भी कर सकते हैं। पहले हम एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं, ये देखो log x equal to 4 log 3 divided by 2, यानी ये हो गया log x equal to 2 log 3, ठीक है। अब ये पावर में था तभी तो मल्टीप्लाई होके सामने आया होगा, मतलब अगर सामने कुछ मल्टीप्लीकेशन है तो हम लोग इसको 3 to the power 2 कर सकते हैं, ठीक है, 3 to the power 2 कर सकते हैं। तो log x इक्वल टू, अगर log 9 हो रहा है, मतलब x का वैल्यू 9 है, x का वैल्यू 9 है, क्योंकि log x इक्वल log 9 है, तो log x का वैल्यू पूछा है x कितना होगा, तो ये दोनों इक्वल अगर है तो इधर 9 है तो इधर भी 9 होगा, तो log x इक्वल टू log 9 यानी x इक्वल टू 9। एक तो ये तरीका है, दूसरा और एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन के साथ। जैसे ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया है, देखो 3 9 2, तो यहाँ पर दिया है 3 9 और 2 और डी में दिया है none of this। अब पहले 3 का यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखो अगर हम लोग मानते हैं कि ऑप्शन ए अगर हमारा आंसर हो जाए तो हम लोग उसे कैसे चेक करेंगे, ये देखो यहाँ पर 2 log x इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है इसको थोड़ा ट्रांसफर करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log x टू दी पावर 2 इक्वल टू log 3 टू दी पावर 4, ठीक है। अब x का वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 पुट करने से कितना हो जाएगा, log यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 9 और यहाँ पर 3 टू दी पावर 4, मतलब ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर इक्वल टू log 3 टू दी पावर 4, मतलब 81, लेकिन 3 स्क्वायर तो 81 नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं log 9 स्क्वायर इक्वल टू log 81, हाँ ये सही हो रहा है, क्योंकि 9 स्क्वायर मतलब ही 81 होगा, तो 2 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन का, हमारे पास ऑप्शन से करने का जो है यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग चाहे तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं, तो आंसर बी आए, ठीक है। फिर 7th नंबर देखते हैं, 7th नंबर ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं, 7, 8 दोनों, फिर भी यहाँ है तो हम दिखा देते हैं। log 64 बेस 2 कितना होगा, log 64 बेस 2 कितना होगा ये पूछ रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि ये x है, तो x टू दी पावर, क्योंकि ये बेस है और ये